सात बजे के बुलेटिन में इंडिया न्यूज पर स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अंजलि मुद्गल। सबसे पहले आपको टॉप खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे जालौर में और शाम करीब 4:15 बजे बांसवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर मुझे उषा कृष्णा जी से मिलने का सम्मान मिला। जो दृष्टि बाधित हैं उनमें भारत की प्रगति के लिए बहुत जुनून है। मैंने उन्हें बेल में लिखी पुस्तक की एक प्रति भेंट की है जो मुझे दिन में मिली थी। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार के कटिहार में दोपहर करीब 1:15 बजे जनसभा होगी, जिसके बाद अमित शाह असम के सिलचर में शाम करीब 4:15 बजे रोड शो करेंगे। अमित शाह पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के दौरे के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। अमित शाह छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। इसके बाद 22 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे शाह कांकेर में जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महाराष्ट्र और कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, जहां जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी के समर्थन में चुनावी रैली और जनसभा करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह जेपी नड्डा 11:40 पर महाराष्ट्र के बुलढाणा में जनसभा करेंगे। इसके बाद 3 बजे के आसपास कर्नाटक में 2 अलग-अलग जगहों पर जनसभा होगी। राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा उत्तर और साथ ही साथ दार्जिलिंग में चुनावी रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह मुर्शिदाबाद के नरसिंहपुर, जलांगी, मुर्शिदाबाद में दोपहर 12 बजे, इसके बाद दोपहर 2 बजे नलगोला, मालदा उत्तर और शाम 5 बजे टिकिया पारा रेलवे ग्राउंड में जनसभा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ में 3 जनसभा करेंगे। योगी आदित्यनाथ राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर संसदीय क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इन सभाओं में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में बिहार, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की बची हुई लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सतना पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। यहां प्रियंका गांधी राजनांदगांव और कांकेर में जनसभा करेंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी राजनांदगांव से प्रत्याशी भूपेश बघेल और कांकेर से प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के पक्ष में सभा करेंगी।